लग्या। अंबाले की चोण बहुत नजदीक है। जो सारा कार्यक्रम था आज, जो कांग्रेस पार्टी की अंबाला लोकसभा क्षेत्र में जीत हुई है, भाई वरुण चौधरी लगभग 50,000 वोट से अंबाला पार्लियामेंट से जीत कर गए हैं, तो हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की धन्यवाद सभा थी एक तो, इसके साथ साथ आगे आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए ये मीटिंग बुलाई गई थी और कुछ विशेष मुद्दों पर चर्चा करने के लिए कि कैसे किन इश्यूज़ को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे, 90 दिन के बाद चुनाव है उसकी क्या रूपरेखा रहेगी, उसकी जिम्मेवारी लगाने के लिए किन बूथों पे हम जीते हैं, किन पे कांग्रेस पार्टी पीछे रही है, उन पे हमने कैसे आगे काम करना है, कैसे उन बूथ को मजबूत करना है, इस बात की चिंतन के लिए ये आज की मीटिंग रखी गई थी। बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं, जो लोकसभा का चुनाव है एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा और मेरा ये मानना है कि जब कांग्रेस पार्टी अच्छा फैसला करती है, भाई वरुण चौधरी जी की टिकट की बात थी तो तमाम नेताओं ने, तमाम कार्यकर्ताओं ने एक ही आवाज में कहा भी वरुण चौधरी जी को टिकट देंगे तो कांग्रेस पार्टी जीतेगी और आगे भी मुझे पूरा विश्वास है कि जो आवाज़ें खलक होगी, जो जनता की आवाज़ होगी, जैसे कांग्रेस पार्टी के हमारे लीडर साहबान कह रहे हैं कि सर्वेस किए जाएंगे, जो जनता के बीच में जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी होगी, जो विनेबिलिटी होगी, वो सारे फैक्टर्स को देख कर कांग्रेस पार्टी टिकट देगी तो एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। हाँ, दावेदारी पेश करना कि मैं दावेदार हूँ, ये लोकतंत्र में, ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस में सबका अधिकार है, मेहनत भी करनी चाहिए, दावेदारी पेश करनी चाहिए, मगर अगर जब लोगों की जन अपेक्षा के अनुसार पार्टी टिकट दे दे तो फिर सबको एकजुट होकर चुनाव लड़ना, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। हाँ, आज जो जिन मुद्दों पे हमने बात की है कि 9-10 ऐसे काम हैं, परियोजनाएँ हैं जिसको लेकर पूरा अपनी पीठ थपथपाई भाजपा ने, यहाँ के विधायक और मंत्री ने, मगर वो काम पूरे नहीं हुए, जैसे अधूरा पार्क, अधूरा बाल भवन, अधूरा सिविल हॉस्पिटल, अधूरा आपका नगर निगम की बिल्डिंग नौरंग राय तालाब अधूरा, तो ये तमाम वो काम हैं जिनके लेकर बड़ा, जिनको लेकर बड़ा प्रचार किया गया मगर वो पूरे कभी नहीं, तो उन इश्यूज़ पे, उन बातों को लेकर, उन फंड्स में जो घोटाला हुआ है उनको लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे। उसके साथ साथ एक जो बहुत बड़ा मुद्दा, जो निजी तौर पर मैं समझता हूँ कि मेरे दिल के बहुत करीब है और कई साथियों ने उठाया भी है, कि इन्होंने सिख सेंटीमेंट्स के साथ खेलकर बार बार वोट ली, इन्होंने कहा कि हम गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से एक यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करेंगे अंबाला पार्लियामेंट क्षेत्र में, मुख्यमंत्री जो पूर्व में अब मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर जी ने 2-3 बार घोषणाएं की, कवरेज हुई, मगर उसको कभी भी अमली जामा बनाने के लिए कोई काम नहीं किया गया, कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं। तो इस मुद्दे को लेकर हम कांग्रेस पार्टी के सभी साथी लोगों के बीच में जाएंगे, एक बहुत बड़ी पंचायत करेंगे, पब्लिक मीटिंग करेंगे और दबाव बनाएंगे सरकार पे कि इसके लेकर फंड्स एलोकेट किए जाएं और नोटिफिकेशन जारी की जाए। और इसी बात को लेकर मैंने कांग्रेस लीडरशिप से बात भी हुई थी, पीछे दीपक बावरिया जी जो हमारे प्रभारी हैं वो हमारे बीच में आए थे, उनके संज्ञान में ये बात लाई गई और उनकी तरफ से मुझे बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। आज सुबह उनकी तरफ से मैसेज आया कि आगे एक हम डेलीगेशन बना रहे हैं, उस डेलीगेशन को लेकर हम राहुल गांधी तक जाएंगे हुड्डा साहब के नेतृत्व में, ताकि उनको भी ये बात से हम अवगत करा सकें कि आने वाली सरकार बनने पर हम ये इस मुद्दे को आगे लेकर जाएं और इसको अमली जामा पहना सकें, क्योंकि यूनिवर्सिटी बनने से एजुकेशन का तो फायदा होता ही होता है, साथ में और मल्टीपल एवेन्यूज़ खुलते हैं, हम एक पूरे क्षेत्र का, पूरे ज़िले का विकास होता है। और मेरी मांग तो हमेशा यही है कि अंबाला विधानसभा क्षेत्र के अंदर ही कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी के लिए ईयरमार्क लैंड किया जाए और गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से, जिनके साथ, जिनका ये कर्म क्षेत्र रहा है ये हमारा अंबाला, जहाँ इनके नानके हैं लखनौर साहब में, इनका चिड़ियों वाला बादशाह बाग गुरुद्वारा है और कई जगह जो सिख इतिहास से जुड़ा हुआ है, इस क्षेत्र में अगर यूनिवर्सिटी बनती है तो सिख सेंटीमेंट्स के साथ तो हमें खुशी होगी ही होगी, साथ में अंबाला में एजुकेशन का विस्तार होगा और एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यूज भी बनेंगे। IIMT की बात है, IIMT को लेकर, रोजगार को लेकर मुख्यमंत्री ने घोषणाएँ कर दी, यहाँ भी कहा IIMT बनाई जाएगी, बड़ी हुआ, मगर उसकी आड़ में सिर्फ और सिर्फ अभी तक लैंड माफिया, जो पहले वाटिका के अंदर लैंड माफिया घूमता रहा, उसके बाद IIMT के नाम पर जोखड़ा वाली ज़मीनों के अंदर लैंड माफिया घूमता रहा, अब लखनौर साहब में बनेगी, चौड़मस्तपुर के पास बनेगी, कभी आपके नकल के पास बनेगी IIMT, वहाँ भी लैंड माफिया घूम घूम के सिर्फ रेट ही बढ़ा रहा है, काम अभी तक नोटिफिकेशन कोई जारी नहीं हुई, एरिया कोई ईयरमार्क नहीं हुआ IIMT के लिए, उसको लेकर भी हम संघर्ष करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, जागरूकता लाएंगे,
कि आईएमटी के लिए हम काम करेंगे, कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप को हम आगाह करेंगे कि इसको बनाना चाहिए, आईएमटी को बनाएंगे, और बीजेपी के मैलिफाइड इंटेंशंस को हम एक्सपोज भी करेंगे कि आपके सिर्फ आईएमटी के आड़ में वोटें इकट्ठी कर रहे हैं, इनका एजेंडा सिर्फ लैंड माफिया को बढ़ावा देना और कुछ नहीं। हमने साथियों हमने कई बार देखा है कि हर बार हर साल हमारे साथ एक वही साइकिल चल रहा है, और ये मेरी तो हमेशा से शुरू से मैंने पीछे अपने मैनिफेस्टो में भी ये बात कही थी कि अगर मुझे मौका मिले प्रॉपर एक ड्रेनेज प्लान चाहिए हमारा, क्योंकि जो इसकी डेमोग्राफिक पोजीशन है वो ऐसी है बाउल शेप्ड में है, तो जब तक पूरी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ एक प्रॉपर ड्रेनेज प्लान ना बने ना कि एक नाला बना दिया दूसरा छोड़ दिया ऐसे करके, कोई सही मायने में इसका समाधान नहीं है। जब तक एक प्रॉपर ड्रेनेज प्लान बने उसके बाद उस पर काम हो फिर फंड्स रिलीज हो तो इसका छुटकारा हो सकता है, मगर हाल फिलहाल आज इमीडिएटली हम क्या कर सकते हैं कि एटलीस्ट सफाई तो नालों की करें। हर बार टेंडर हुआ, पिछले साल हमने देखा टेंडर हो गया सफाई हुई नहीं, पैसे लोगों की जेबों में चले गए, ठेकेदारों की जेबों में चले गए, भ्रष्टाचार हुआ। और मैं इल्ज़ाम लगाता हूँ, मैं बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूँ कि सरकार के चुने हुए नुमाइंदों की जेब में पैसा गया उस भ्रष्टाचार, विधायक जी की जो नज़दीक के लोग थे उनकी जेबों में पैसा गया और सफाई नहीं हुई। अब भी ऐसा ही हो रहा है, कल एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट में मैं धन्यवाद करता हूँ यूथ कांग्रेस के साथियों को, इन्होंने सफाई की, नारियल फोड़ा, नारियल इसलिए फोड़ा कि ये मंत्री जी की शौक है नारियल फोड़ने का, उसके बाद सफाई शुरू हो। आप भी पैसा एलोकेट हो चुका है, टेंडर हो चुका है, मगर सफाई इसलिए नहीं हो रही कि रिबन काटने नहीं आए मंत्री, तो उनको मैंने कहा भी शायद शर्म आ जाए, अब वो हार के मंथन से सदमे से बाहर निकलें और सफाई का काम शुरू करवाएं। तो मैं आपके माध्यम से भी आज ये मांग करता हूँ कि सफाई इमीडिएटली हो, एटलीस्ट जो काम हो सकता है निकासी का उस पर तो काम हो शुरू। एक साल छोड़ो, 10 साल का समय था, और मैं तो कहता हूँ जो पिछले 10 साल थे उनके पास भी समय था, इसमें कोई मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, किसी ने भी ड्रेनेज प्लान के ऊपर अंबाला के लिए कोई सीरियसली काम ही नहीं किया, और मैं इसके लिए कसूरवार सबको मानता हूँ, जो पॉलिटिकल इकोसिस्टम के लोग हैं मैं सबको दोषी मानता हूँ इसके लिए। और मेरी सोच यही है कि आगे सरकार आए तो हमारे मुख्यमंत्री बने उनके साथ बैठ के एक कमेटी बना के बात करें कि इसके लिए एक प्रॉपर ड्रेनेज प्लान हो ताकि अंबाला की निकासी के लिए समाधान प्रॉपर हो सके। आज हम कहते हैं नाले साफ कर दो, नाले साफ होने से चलो वाटर लेवल डाउन चल जाता है, मगर आगे जा कहाँ रहा है पानी, पंजाब में जा रहा है, लो सिमली में जा रहा है, MLA साहब बैठे हैं साथ में, वहाँ जाके खत्म हो जाता है, आगे गिर किस नदी में रहा है, कुछ सिस्टम तो है नहीं आगे भी। जब तक प्रॉपर एक ड्रेनेज प्लान ना बने कि गगर नदी में जाएगा ETP के प्लांट के माध्यम से साफ होकर कहाँ जाएगा, तब तक तो कोई समाधान प्रॉपर तो है नहीं। ऐसे ही एक और बड़ी समस्या अंबाला की, मोबिलिटी प्लान, ट्रैफिक सिस्टम। आज शुक्रकुंड रोड से पहले आपको याद होगा बसें निकलती थी, यहाँ से लोकल बसेस चलती थी, आज पैदल चलना मुश्किल है। जब तक आपके पास मोबिलिटी प्लान नहीं होगा कि अंबाला की सड़कें किस हिसाब से विकसित हों, फुटपाथ कहाँ बने, आपकी रेडी फड़ी वालों को कहाँ जगह मिले बैठने के लिए, तब तक वो ट्रैफिक की समस्या और बढ़ती जाएगी अंबाला में। तो ये सारी चीज़ों का ये है, इसको हम अपने मैनिफेस्टो में रखेंगे, मेरे संज्ञान में बातें, पर समय समय भी चीज़ों को उठाते रहेंगे। आज जो सबसे बड़ा एजेंडा हमारा यही है कि इनके फेलियर्स को लेकर विधायक के अंबाला शहर के लोगों के बीच में जाएंगे, और जो यूनिवर्सिटी की डिमांड है हमारी उसको लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे, उसके लिए छोटी छोटी पंचायतें करेंगे, फिर बड़ी महापंचायत भी करेंगे। हर बार चलती हैं कि गोटियाँ फिट कर रहे हैं, जब आएंगे तब दिखी जाएगी, आज की डेट में वो कांग्रेस में नहीं है, उन्होंने भाजपा का समर्थन किया है, उनका बेटा भाजपा की मदद से विधायक वो राज्यसभा से सांसद बना है, तो मुझे नहीं लगता ऐसी भी बात है, होगी तो जब आएगा तो दिखी जाएगी। तो कहते हैं ना शादी भी नहीं हुई तो आप बच्चों की बात कर रहे हो, अभी तो शादी भी नहीं हुई, ताकतदार कभी नहीं होती, लोकतंत्र में एक सिस्टम है, जिताया भी तो जो लोगों ने था, आपको 303 तक पहुँचाया लोगों ने, जनता ने पहुँचाया। आज मैं कह दूँ कि मेरे बूथ से कांग्रेस जीती है, पिछली बार हार गए थे हम इस बूथ से अपने से ही, तो फिर जनता का दार थी, जनता का दार नहीं थी, हम समझा नहीं भाई अपनी बात लोगों तक सही तरीके से, या हमारे से ज़्यादा बेहतर वो उनका कैंडिडेट लगा उनको, इस बार हमारा बात अच्छी लगी लोगों को, हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा लोगों को, जिताया लोगों ने, तो इसमें तो यही है कि जनता सर्वोपरि है, जनता का जो फैसला है वो सिर माथे है। अगर हम ये सोचेंगे फलाना गद्दार है, जनता गलत है, फिर गलतफहमी में हम ही हैं, जनता गलतफहमी में कभी नहीं होती।